व्यूअर्स, हम आपका वेलकम करते हैं अपने चैनल में एमएचटी फूड सीकर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने बनाए हैं बेहद मजेदार से चिकन सैंडविचेस। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। ये मेरी नन शुमाइला आपी की रेसिपी है, वो बहुत ही मजे के चिकन सैंडविचेस बनाती हैं। तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। आप लोग हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं mycityfoodsecret.com को। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ कि इसमें किन किन चीजों की जरूरत है, उसे कैसे बनाते हैं। जी व्यूअर्स, एक फ्राई पैन ले लिया है, अब चूल्हा ऑन करेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून हम ऑयल का ऐड कर देंगे। एक अदद हमने दरमियाने साइज का प्याज ले लिया है, इसको बारीक चॉप कर लिया है, ये ऐड करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए सोटे करेंगे। जी व्यूअर्स, इसको 1 मिनट के लिए हमने सोटे कर लिया है। अब चूल्हे की आग बिल्कुल हल्की करेंगे। एक गिलास हमने दूध ले लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चूल्हे की आग बिल्कुल स्लो है, इसमें ये तैयार किया हुआ दूध का मिक्सचर ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें नमक का ऐड कर देंगे। वन टेबल स्पून काली भी मिर्चे, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 टेबल स्पून, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक कप के करीब हमने चिकन ले लिया, इसको अच्छे से बॉईल करके रेशे कर लिए। अब ये ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून इसमें सिरका ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की आग बिल्कुल स्लो है। तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चों का हमने पेस्ट बना लिया है, इसमें भी 1 टेबल स्पून सिरका ऐड किया है। अब ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जी व्यूअर्स, ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हमने हद से जरूरत। अब इसको किसी कप या गिलास की मदद से भी आप काट सकते हैं। अगर आपके पास कटर है तो कटर से भी आप काट सकते हैं। इस तरीके से हम इसमें राउंड शेप में से काट लेंगे। ये जो बाकी बचे हुए ब्रेड है, इसके आप ब्रेड क्रम्ब भी बना सकते हैं। इसी तरीके से हम बाकी भी काट लेंगे। जी, सारी ब्रेड को हमने गोलाई में काट लिया है। अब इसकी फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रेड का स्लाइस लेंगे, इस
इसमें फिलिंग करेंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे, हल्के से प्रेस करेंगे। ये तैयार हो गया, इसी तरीके से बाकी भी कर लेंगे। जी व्यूअर्स, फिलिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है, अब इसकी कोटिंग करना शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, दो अदद हमने अंडे ले लिए हैं, इनको अच्छे से फेंट लिया है। दो कप हमने ब्रेड क्रम्ब ले लिए हैं, अब इसकी कोटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे अंडे में डिप करेंगे, अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे हर तरफ से, ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। दोबारा से अंडे में इसके किनारे डिप करेंगे, फिर से ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। एक तैयार हो गया, इसी तरीके से बाकी भी कर लेंगे। जी व्यूअर्स, कोटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है, अब इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, एक फ्राइंग पैन में हमने ऑयल ले लिया डीप फ्राइंग के लिए, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया। अब आग को हमने स्लो कर दिया, इसमें सैंडविच ऐड करेंगे और दोनों साइड से अच्छे तरीके से गोल्डन होने तक इसे फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, सैंडविचेस हमारे दोनों साइड से बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, हमारे बेहद मजेदार से चिकन सैंडविचेस बिल्कुल तैयार है। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, आप भी इसे बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं और बच्चों को लंच में भी बनाकर दे सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। अगर आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। आप लोग हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं mycityfoodsecret.com को। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।